हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका चैप्टर 4 होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। राइट, तो एल्जेब्रा का किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, किस तरह से डिवीजन होता है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, वो एक्सरसाइज होगा आपका 4.1, जो कि आज कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4.1 स्टार्ट करने से पहले, दैट मींस कि एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म हैं उसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मोनोमियल, बायनोमियल और पॉलीनोमियल। क्लियर है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में जैसे जिसमें केवल वन टर्म आता है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगल टर्म। क्लियर है ना। अब बायनोमियल में क्या होता है, डबल है ना, डबल टर्म, दो टर्म आते हैं। और पॉलीनोमियल में, पॉलीनोमियल का मतलब होता है कि दो से ज्यादा, मोर देन टू अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, आपका पॉलीनोमियल में आ जाएगा। क्लियर है। अब समझना है कि सर ये टर्म क्या है, एल्जेब्रिक टर्म पहले समझते हैं, है ना। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x a -b -3y। तो आप ध्यान से देखो, ये सब सिंगल टर्म के हैं, ये अपना फिर कॉमा लगा दिया हमने, सब सिंगल टर्म के हैं। क्लियर है। उसी तरह से बायनोमियल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देख लो जरा, 2x+1। क्लियर है। तो देखो 2x भी है और साथ में प्लस करके 1 भी है, इसका मतलब ये किस में शामिल हो गया, बायनोमियल में। इसमें दो टर्म नजर आएंगे। क्लियर है। और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 3x+2y। क्लियर है, ये टर्म मैंने लिखा। तो देखो एक टर्म क्या है, 3x, और प्लस देके 2y, यानी कि इसमें दो टर्म शामिल है, तो ये बायनोमियल में आ गया। और देखो जरा यहाँ पे 3m-2m, ठीक है। तो ये टर्म कैसे पता चलता है, बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो हमें टर्म पता चल जाता है कि ये कितने टर्म का है। तो जैसे ये दो टर्म का है, ये भी दो टर्म का है, ये भी दो टर्म का है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बायनोमियल कहलाएगा। क्लियर है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, बायनोमियल के, ठीक है। अब बात आती है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल में मैंने क्या कहा, मोर देन टू, दो से जैसे ही ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, किस कैटेगरी में हमने रखा है, पॉलीनोमियल की कैटेगरी में। चलो देखो जरा, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉलीनोमियल का उदाहरण एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 2x+3y+1। क्लियर है। तो देखो कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, तीन टर्म हो गया यहाँ पे, 2x भी हो गया, 3y भी हो गया और 1 भी हो गया, यानी कि तीन टर्म हो गए इसके अंदर में। क्लियर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ये पॉलीनोमियल में क्या होता है, तीन तीन टर्म आ जाते हैं। देखो 2 से ज़्यादा है ना, जैसे चार टर्म भी अगर आ गए, जैसे यहाँ पे 3m+2x+4y+z, ऐसे कुछ टर्म आ गए, जेड लास्ट में, जेड मैंने लिखा। तो यहाँ पे कितने टर्म आ गए, 1, 2, 3, 4 टर्म आ गए। देखो इसमें बीच में माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको टर्म देखने हैं, 3m, 2x, -4y, +z। तो ये चार टर्म हो गए, 1, 2, 3, 4, फोर टर्म हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलीनोमियल में काउंट होगा। क्लियर है। तीन रहे या चार रहे तो ये किस में आ जाएगा, पॉलीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बायनोमियल किसमें, जिसमें दो ही टर्म रहेंगे। क्लियर है। अब मोनोमियल का मतलब होता है कि केवल सिंगल टर्म इसमें आएगा। ओके, अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल अब लिख रहा हूँ, आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा 3x²y²z² है ना, माइनस ऐसे लगा दिया है ना। तो ये बताओ मुझे कि ये तीनों में से कौन है, फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है, मोनोमियल है या बायनोमियल है या पॉलीनोमियल है। तो आप इसको क्या जवाब दोगे, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि ये मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसके इस वाले में कोई भी ना तो प्लस हुआ है, ना तो माइनस हुआ है, ना तो इस कोई जुड़ रहा है, ना घट रहा है। यहाँ पे एक और टर्म लिखा रहता है तब ये किस में जंप कर जाता, बायनोमियल में। फिर एक और टर्म लिखा रहता है किस में जंप कर जाता, पॉलीनोमियल। लेकिन ये तो सिंगल टर्म है, भले ही ये एक्स वाई जेड ये सब आ गया हो इसमें। क्लियर है, x, y, z आ गया हो, लेकिन फिर भी ये कौन सा है, मोनोमियल में ही आएगा।
एक और एग्जाम्पल, ये क्या हो गया आपका मोनोमियल, है ना, ये सब पहले समझ लेना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, 3x² y z / x y z, मैंने ऐसे लिख दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, क्लियर है, डिवीजन में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इसका मतलब आपको साफ साफ बताना है ये किस में आएगा, किस में आएगा, मोनोमियल में आएगा या पॉली बायनोमियल में या पॉलिनोमियल में। तो देखो जरा, जेड से जेड चला गया, वाई से वाई चला गया, और एक एक से एक एक्स चला गया, तो ये क्या हो गया, केवल 3x बचा, है ना, क्या बचा, केवल 3x। तो ये 3x देखो अकेला है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ये भी क्या हो गया, मोनोमियल। तो देखो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि बायनोमियल में दो दो टर्म आपके रहेंगे, दिखेगा कि हाँ ये +1, ठीक है। अब समझना, अभी तीसरा एग्जाम्पल है ना, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, देखो जरा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है क्या, 3x + 2x, क्लियर है, 3x + 2x लिखा हुआ है, तो अब पूछा जाए कि ये बताओ कि ये मोनोमियल है, बायनोमियल है या पॉलिनोमियल है, तो आप तो फट से बोल दोगे कि ये किस में आएगा, बायनोमियल में, क्योंकि सर दो ठो टर्म है इसमें। लेकिन नहीं, गलत, ये आपको ये भ्रमित करने के लिए दिया दिया गया है, समझ में आया। देखो 3x + 2x ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही है ना, 2x है ना। आप एलजेब्रिक एडिशन पढ़े होंगे, जब मैंने क्लास इसका नहीं पढ़े हो तो पीछे का वीडियो जरूर देख लेना, है ना, क्योंकि एलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख रहे हैं। अब समझो जरा, ये 2x है ना, और ये 3x है, देखो x x है, और इसका पावर भी 1 है, और इसका एक्सपोनेंट अभी अभी है ना, एक्सपोनेंट, हाँ, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, और x पे भी कितना एक्सपोनेंट है, 1 है, इसका मतलब ये दोनों x x जो है एक जैसे हैं। इसका मतलब आप खुद से सोचो, ये 3x है और ये 2x है प्लस में, इसका मतलब ये कितना हो गया, 5x है, समझ में आ गया, 3 और 2 5 हो गए, तो ये क्या हो गया, 5x है, और ये x पे पावर 1 है, तो वो तो ऐसे ही रहता है, वो हिडन रहता है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि 1 1 पावर है, याद रहे, ये जुड़ेगा घटेगा कब, जब सेम सेम रहेगा तब, क्लियर है। तो आप ऐसे देख करके, केवल ऐसा टर्म को देख करके नहीं आप जजमेंट दे सकते हैं कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल या पॉलिनोमियल, आप उसको पूरा एनालिसिस कर रहे हैं आपको कि ये कहीं जुड़ तो नहीं रहा, कहीं घट तो नहीं रहा, कहीं जुड़ने के बाद देखो लग रहा है दो टर्म, लेकिन जब ये इसको मैंने एनालिसिस किया काफ़ी अच्छे से, इसका हम लोगों ने अब एडिशन किया, प्लस किया, तो ये एक टर्म बन गया, 5x हो गया, ठीक है, तो ये किस में काउंट हो गया आपका, मोनोमियल में। ओके, अब चौथा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चौथा एग्जाम्पल जरा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा कि 3x + 2x², क्लियर है। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे कि ये मोनोमियल में आएगा, बाइनोमियल में या ट्राइनोमियल में, ये अब ध्यान से देखो, आप फिर से यहाँ पे वो हो जाओगे, है ना, कि ये कैसा सवाल है, ये तो फिर से वही हो गया। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका बायनोमियल में आएगा, ये किस में आएगा, मोनो, है ना, और ये भी मोनो, मोनोमियल है ना, मोनो करके मैं डॉट डाल रहा हूँ, इसका मोनोमियल, ठीक है। अब 3x + 2x², इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी किस में आ जाएगा आपका, बायनोमियल में आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये x पे पावर 1 है, और ये x का क्या है, स्क्वायर है ना, पावर 2 है, ठीक है, पावर को ही एक्सपोनेंट भी बोलता हूँ मैं, है ना, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग है, ये दूसरा जाति का है और ये दूसरी जाति का है, तो ये दोनों जुड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे देखो x पे पावर 1 था, यहाँ भी x पे पावर 1 था, तब जाके ये 5x हुआ था, बातें समझ में आ गई। तो ये किस में आ जाएगा आपका, बायनोमियल में, ये किस में आ गया, बायनोमियल, यस, ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना जरूरी है कि कौन बायनोमियल में और कौन मोनोमियल में और कौन पॉलिनोमियल में, क्लियर है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, क्लियर है। चलो अब ये टर्म समझने के बाद अब हम लोग मूव हो रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मूव हो रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर, तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ ईच अदर, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसको क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना है कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर है। जैसे अब देखो, ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, और ये भी ब्रैकेट है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये क्या है, ये मोनोमियल है या ये पॉलिनोमियल है या बायनोमियल है ना। तो ये आपका बायनोमियल है, जिसमें दो टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। तो
तो देखो बायनोमियल को बायनोमियल से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान से ये भी सुनो जरा, 2x प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर में बंद है, और 3x प्लस 2 ये भी ब्रैकेट में बंद है। तो जब कुछ ऐसा दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पे दोनों के ब्रैकेट के यहाँ बीच में कोई भी साइन नहीं है, देखो है ना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में है ना, ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। और सेम चीज़ सब में अप्लाई होगा, इतने भी प्रॉब्लम है सब में। एक का कंसेप्ट आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान से आप देख लेना एक का कंसेप्ट है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो देखो जरा कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखो जरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस को थोड़ा साइन का भी मल्टीप्लाई देख लें, प्लस को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो किस में आ जाएगा, माइनस में, क्लियर है। और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो किस में आएगा, माइनस में। और प्लस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं प्लस के साथ तो किस में आएगा, प्लस में। और माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ तो किस में आएगा, प्लस में। याद करने के लिए सर कैसे इसको याद करें, है ना। देखो ये साइन का मल्टीप्लाई है, एक मल्टीप्लाई एक नंबर का मल्टीप्लाई अलग होता है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जो 6 हो गया, क्लियर है। और एक साइन का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो देखो तीन चीज़ पे ये मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन है, ये तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है। एक पहले साइन का होता है, दूसरा किसका होगा, आपका नंबर का होगा, और तीसरा किसका होगा आपका एल्जेब्रिक का होगा, समझना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहला क्या है, SIGN साइन, SIGN साइन, ठीक है। साइन मतलब ये प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा कुछ, साइन का। दूसरा सेकंड बार में क्या करना पड़ेगा आपको, साइन के बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, NUM डॉट लिख के NUM, यानी कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा आपको, एल्जेब्रिक अगर दिया है ना, तो एल्जेब्रिक ALZ है ना, ALZ में ऐसे लिख दिया, तो आपको समझ जाना है कि एल्जेब्रिक की बातें हो रही हैं, समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये 2x को देखो, ये 2x को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 3x से, और यही वाला 2x फिर मल्टीप्लाई होगा किस से, प्लस 2 से, समझना है जरा, है ना। पहले फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म से, क्लियर है, उसके बाद फिर वापस लौट के फिर 7 से फिर इन दोनों टर्म में होगा, समझना है। तो चलो पहला वाला 2x को पहले 3x से करते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा था, पहले साइन का करना है मल्टीप्लाई, किसका, साइन का। तो देखो साइन, ये 2x किस में है, प्लस में है, यहाँ देखो प्लस है ना, 2x इसमें है, प्लस में है, इसका मतलब ये रहा प्लस, और ये 3x भी किस में है, प्लस में। तो देखो प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो किस में रिजल्ट आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर है, ओके। अब सेकंड का क्या कहा था कि नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखो ये 2 है और यहाँ क्या है 3, तो 2 3 जा कितना होगा, 6, क्लियर है। अब थर्ड में क्या कहा था मैंने कि तीसरा जो जांच होगा मल्टीप्लाई होगा एल्जेब्रिक का होगा, किसका होगा, एल्जेब्रिक का होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझना है इस चीज़ों को। x से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि x का एक्सपोनेंट 1 था और यहाँ भी x का एक्सपोनेंट क्या था, 1 था, है ना, इसलिए ये पावर पावर जुड़ जाता है, एक्स स्क्वायर हो गया। पूरा क्लियर हुआ, है ना। पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि 2x प्लस में था और 3x भी प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस आ गया। उसके बाद नंबर को नंबर से किया, 2 3 जा 6, उसके बाद एल्जेब्रिक को एल्जेब्रिक से किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्लियर है, ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया। अब चलो इस 2x को तो अभी 3x से किए हो, अब अभी इसी 2x को अब किससे करना पड़ेगा, इस 2 प्लस 2 से करना पड़ेगा। फिर से वही नियम चलेगा, साइन को साइन से, फिर नंबर को नंबर से, और एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक से। चलो देखो जरा ये 2x किस में है, प्लस में, और ये 2 किस में है, प्लस में। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो गया। अब चलो 2 को 2 से करो, 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा 4, नंबर को नंबर से, सेकंड जो रहेगा वो नंबर नंबर होगा, ओके। उसके बाद फिर क्या करना है, एल्जेब्रिक का मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें एक्स है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक्स ही रह जाएगा, 4x हो जाएगा, क्लियर है।
अगर कुछ वहाँ पे रहता है तो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर है? ओके, तो देखो अभी हुआ क्या, अभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, ये 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, समझना, ये 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। अब बारी आएगी किसकी, 7 की बारी आएगी, किसकी, प्लस 7 की। तो ये 7 जो है अब पहले 3x से होगा मल्टीप्लाई, फिर यही फिर किससे होगा, फिर प्लस 2 से होगा मल्टीप्लाई, समझना है। ये पहला पहला यहाँ से मैंने शुरू किया और ये दूसरा स्टेप रहेगा मेरा, क्लियर है, समझना। देखो अब ये प्लस 7 फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो चलो ये 7 किस में है, प्लस में, और ये 3x किस में है, प्लस में, समझ रहे हो। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, पहले किसका, साइन साइन का, है ना, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस में आएगा, है ना, प्लस इंटू प्लस तो प्लस में। अब नंबर को नंबर से करो, 7 को 3 में, 7 3 जा 21, और देखो 7 में कोई एलजेब्रिक नहीं है, नंबर को नंबर से करने के बाद एलजेब्रिक, है ना, ओके। तो देखो 7 में कोई एलजेब्रिक नहीं है, लेकिन x यहाँ पे 3 के साथ एलजेब्रिक है, तो यहाँ पे x लग जाएगा, क्लियर है, है ना। तो ये प्लस 21x हो गया, ठीक। अब देखो यही फिर प्लस 7 फिर किससे होगा, ये प्लस 2 से, ये पहली बार में तो 3x से हो गया, अब प्लस 2 से होगा। तो देखो फिर साइन का साइन से करो, प्लस प्लस प्लस, और 7 को फिर साइन साइन को साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन मल्टीप्लाई साइन कर लिए, उसके बाद नंबर को नंबर से करना है, तो 7 2 जा, देखो 7 2 जा कितना, 14 हो गया, प्लस प्लस तो प्लस, और 7 2 जा 14, और एलजेब्रिक, एलजेब्रा इसमें नहीं है, एलजेब्रा का मतलब ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक 26 है ना, 26 है ना, उसमें से कोई अगर लगा रहे उसी को एलजेब्रिक बोलते हैं, क्लियर है, समझना। तो देखो 7 में भी एलजेब्रिक नहीं है, और 2 में भी कोई ए बी सी डी ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, ना तो एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं लगा है, तो बस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके हो गया। तो ये अभी अब ये आ गया मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे क्या होगा, देखो जरा ये 6x2, ये x स्क्वायर में है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 6x2। अब बात आती है कि सर यहाँ पे साइन लिखना ही पड़ेगा क्या, है ना, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है ये लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं रहने का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव में है। बातें समझ में आ गई, जब भी आपको लगे कि साइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पॉजिटिव रहता है ना, तो ये जो प्लस का साइन मैंने दिया था यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी बनेगा, क्लियर है। तो 6x2 हो गया। अब ध्यान से देखो ये 4x, ये 4x किस में है, प्लस में, और ये 21x किस में है, प्लस में, ठीक है। तो देखो ये x पे पावर कितना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 21 प्लस 4 कितना हो गया, 25, और x, समझना इस चीज़ों को, ये दोनों क्यों जुड़ गए, ये दोनों क्यों जुड़ गए, क्योंकि 21 और x का पावर में 1 था, और यहाँ भी 4 और x का पावर, पावर यानी कि एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, इसलिए ये दोनों, और ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, है ना, तो इसलिए दोनों को एक बॉक्स में मैंने रख लिया, बंद कर लिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 और 4 25, और जो लगा हुआ है x लगा है तो x, क्लियर है, और प्लस में ये 14, ये नंबर हो गया 14, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर ये आ गया, क्लियर है। देखो एक प्रॉब्लम पे मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इसका मतलब पूरी तरह से मैं सिखाना चाहता हूँ कि कहीं डाउट का कोई सवाल ही नहीं रहे, है ना, इन फ्यूचर आप कोई भी बुक का उठाओ तो आपसे बने, ठीक है। तो ये देखो ये पहला प्रॉब्लम था आपका, है ना, किसका, मल्टीप्लाई का। चलो उसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है, मैं एक यहाँ पे पार्टीशन दे देता हूँ, चलो फिर से वही काम करना है, 3x को पहले 2x से करना पड़ेगा, और यही 3x फिर किससे होगा, माइनस 9 से। तो देखो पहले किसके, साइन को साइन से करना है, फिर नंबर को नंबर से, तब एलजेब्रिक। तो देखो ये 3x किस में है, प्लस में, ठीक है, और ये 2x किस में है, प्लस में, है ना, तो प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब नंबर को नंबर को नंबर से, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, x इंटू एक्स। अब देखो एलजेब्रिक को एलजेब्रिक से, तो देखो x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, याद रहे जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना, तो क्या होता है उसका एक्सपोनेंट, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो क्या होता है, ये जुड़ जाता है, x इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब चलो यही 3x अब तो माइनस 9 के पास जाएगा, है ना, तो देखो ये 3x इसमें है, प्लस में, देखो
थ्री एक्सिस में प्लस में और नाइन किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस, तो ये मैंने माइनस दे दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, फाइव सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस साइन दे दिया, अब ये थ्री यहाँ पे है, अब नंबर को नंबर से, थ्री नाइन जा 27 और एक्स, यहाँ पे कोई एल्जेब्रिक नहीं है लेकिन इसमें एल्जेब्रिक है, तो केवल एक्स दे दो, क्लियर है, केवल x, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है, x पे कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे 1 है, छुपा हुआ रहता है, क्लियर है। अब चलो ये तो दो ठो कर लिया मल्टीप्लाई, ये 3x का हो गया इन दोनों के साथ में, अब ये माइनस 5 का होगा इन दोनों के साथ में, चलो तो माइनस, और ये 2x किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, 5 टू जा 10, और ये क्या हो गया x, ठीक है। देखो माइनस और ये प्लस, देखो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो गया माइनस में, और नंबर को नंबर से करो, 5 टू जा 10 और ये रहा x, क्लियर है। अब चलो अब ये माइनस 5 फिर माइनस 9 से होगा, क्योंकि अभी आपने इससे किया है, तो माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये मैंने दे दिया प्लस, और 5 9 जा कितना होगा, देखो 5 9 जा 45 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चलो देखो एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर वाला दूसरा कोई दिख रहा है क्या, नहीं है, कहीं भी नहीं है, ओके, तो इसको ऐसे ही लिख दो इक्वल टू दे करके 6x स्क्वायर, है ना, यहाँ पे साइन नहीं भी दिए तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, ये माइनस में 27x और माइनस में 10x, देखो एक्स एक्स लेकिन पावर 1 1, पावर भी सेम है ना, दोनों का पावर मतलब कि एक्सपोनेंट, ठीक है, x पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस में ही रहेंगे, दोनों माइनस में ही रहेंगे, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में ही रहेंगे, बस ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27 में 10 ऐड करो तो कितना 37, और ये एक्स 37x हो गया, दोनों जुड़ तो गए लेकिन साइन उसी का रह गया, माइनस का रह गया, ठीक है, ओके, और प्लस में क्या 45, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको प्रॉब्लम बनाने का, ठीक है, ओके। तो आई होप कि पहला प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम है ना, ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 7x यानी कि देखो मैं यहाँ पे ऐसे करके बता रहा हूँ तो आपको समझ जाना है कि हर बार नियम वही होगा, 7x इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 15x में होगा, फिर उसके बाद -2 में होगा, तो पहले किसका साइन का करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 7x में है प्लस में, ये 15x में है प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और फिर नंबर को नंबर से है ना, तो 7 15 जा 105 कितना हो जाएगा 105, ठीक है, और x इंटू एक्स तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है, एल्जेब्रिक को एल्जेब्रिक से लास्ट में है ना, तो एक्स स्क्वायर, अब फिर 7x फिर जाएगा -2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस, अब 7 2 जा 14x, क्लियर है, उधर में कोई एल्जेब्रिक नहीं है तो x रह गया, ठीक है, ओके। अब चलो ये -6 इससे होगा, तो देखो माइनस और ये 15 किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, अब 6 15 जा कितना हो जाएगा 90, और एल्जेब्रिक में यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है, तो केवल x रह जाएगा, क्लियर है। अब चलो अब क्या माइनस, फिर अब ये -6 जाएगा -2 के पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 2 जा क्या हो गया 12, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 2 जा 12 हो गया, समझ में आ गया, तो ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब चलो फिर से यहाँ पे इक्वल दे देता हूँ 105x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, तो बस उसको हूबहू वैसे लिख दिया मैंने। अब देखो -14x और -19x है ना, देखो ये माइनस में 90x और यहाँ भी माइनस में 14x, तो ये दोनों क्या होगा, अभी अभी आपने देखा था ये दोनों एक बॉक्स में आ गए थे, है ना, दोनों को एक जगह मैंने लिखा था, साइन वही रख दिया था माइनस में ही, लेकिन 19 में 14 ऐड करोगे तो कितना होगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104, और ये रहेगा x, है ना, 190 और प्लस 14 तो 104, और ये x लेकिन माइनस में, है ना,
दोनों जुड़ तो गए लेकिन होंगे किस में, माइनस में, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस में, और ये प्लस में 1, 2, 12, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब चलो इस प्रॉब्लम पे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4। इस प्रॉब्लम में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा दिख रहा है, अंश और हर के जैसा दिख रहा है, ये कैसे बनेगा, है ना? तो समझना, देखो कैसे हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। देखो पहले तो आप ये देखो कि ये पूरा का पूरा टर्म किस में है, पॉजिटिव में है, है ना? इसका मतलब ये वाला इसके साथ होगा और यही वाला फिर इसके साथ होगा। यही बताया हूँ मैं कि पहला वाला टर्म को इन दोनों के साथ करने के बाद फिर ये दूसरा वाला टर्म फिर इन दोनों के साथ में होगा, यही मैंने बताया है। तो चलो पहला वाला टर्म को यहाँ पे करते हैं। पहले क्या कर किया था मैंने, साइन साइन का मल्टीप्लाई, तो साइन साइन का करो। ये पूरा का पूरा टर्म किस में है, पॉजिटिव में, और ये 3x किस में है, पॉजिटिव में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है? प्लस दे दिया मैंने। अब क्या करना है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/2 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2, है ना, मल्टी, एक मिनट, 1/2 एक्स, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, 1/2 एक्स मल्टीप्लाई 3x, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x। ये समझना, ये मल्टीप्लाई है और ये एक्स और ये एक्स है, ठीक है, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब चलो यही 1/2x अब किसके साथ होगा, इसके साथ -6/5y के साथ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले साइन का, तो ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो प्लस माइनस, तो माइनस दे दिया मैंने। उसके बाद फिर से पूरा टर्म वैसे के वैसे लिख दो, 1/2x, 1/2x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6/5, है ना, वाई, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, ओके। तो अभी ये 1/2 जो है इसके साथ हुआ और यही 1/2 अभी इसके साथ हुआ, ठीक है, अभी इसका इसका बाकी है, प्लस 5y का बाकी है, ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो किस तरह से, प्लस ये किस में है, प्लस में, और ये 3x किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस दे दो, और 5 और 3 को फिर नंबर को नंबर से करो, 5 × 3 = 15, और क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिखो, है ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा, एक्स एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक से मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई हो गया 15xy। फिर यहाँ पे देखो अब यही 5y फिर इसके साथ होगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस, पहले साइन साइन का, प्लस माइनस माइनस, फिर 5, यानी कि ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो क्या लिखोगे, 5y मल्टीप्लाई 6/5y, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, है ना, ओके। अब चलो अब ध्यान से समझना एक एक चीज़ों को, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर नेटर टाइप का, तो आपको ऐसे ही डील करना है उस प्रॉब्लम को, ऐसे ही आपको उससे निपटना है। चलो देखो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। अब चलो ध्यान से देखो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ये 3 कहाँ है, ये 3 कैसा है, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 छुपा है, है ना, मैंने बताया है कि ये 3 अगर मान लो अकेला केवल 3 है, तो उसके नीचे में कौन छुपा है, 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? तो देखो एक काम करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/1 से, तो देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, अगर ये कटने वाला होता तो कट जाता, लेकिन ये कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 3, ये 3/2 हो जाएगा, देखो 1 × 3 तो 3 हो गया, और 2 × 1 तो ये 2 हो गया नीचे में, और x × x तो क्या हो जाएगा, x² हो गया, ठीक है, x × x तो ये x² हो गया, और ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, ओके। अब आगे चल रहे हैं, यहाँ पे माइनस दे देता हूँ, माइनस है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे समझना है आपको क्या, कि देखो ये 1/2x मल्टीप्लाई 6/5y, अब देखो ये जो है ये कुछ ऐसे है, 1/2 × 6/5xy, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, देखो 1/2 मैंने लिख लिया, और 6/5 मल्टीप्लाई में तो है ही, और x और y एल्जेब्रिक यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये कुछ ऐसे है। क्लियर है? ठीक,
ओके आगे चल रहा हूँ मैं, प्लस ये 15xy को ऐसे ही रहने दो, माइनस, ठीक। अब चलो यहाँ देखो, यहाँ कैसे है, यहाँ कैसे है, देखो जरा, ये नंबर, ये फ्रैक्शन को इस नंबर से करो तो क्या हो जाएगा, 5 × 6/5। देखो नंबर नंबर के साथ में हो गया मल्टीप्लाई, क्लियर है, ठीक है। और ये y × y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब समझते चलना, यहाँ पे तो इसको ऐसे ही रहने दो, 3/2x² माइनस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कट रहा है, देखो 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है। देखो 2 के टेबल में ये कट रहा था, कटने का भी नियम है ना, क्या नियम है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में अगर कट रहे हो तो उसको काटना है, और सेम टेबल से, अगर जितने टेबल से नीचे को काटोगे वही टेबल से ऊपर वाला भी काटना है। तो देखो 2 के टेबल से ये 2 1 जा में चला गया, वही 2 के टेबल से में ये 3 जा में चला गया, तो कितना हो गया ये 3/5। देखो 3 और ये बाई 5, ऊपर में तो कुछ नहीं रहा, 1 × 3 तो ये 3, 1 × 5 तो ये 5, और ये रहा एक्स वाई प्लस ये 15xy है ना, क्या हो जाएगा ये 15xy, ये तो अपनी जगह पे है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ये 5 जो है ये ऐसे काट रहा है, और इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना, तो देखो ये 5 से 5 कट गया, 5 के टेबल में 5 1 जा 5 1 जा ऐसे कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस में, ये देखो 1 × 6, देखो 1 × 6 यानी कि क्या हो गया, ऊपर में 6 और 1 × 1 तो केवल क्या हो जाएगा 1, नीचे में 1 रह जाएगा तो कोई लिखने का मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा केवल 6 और क्या हो जाएगा y², ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ के बाद से हम लोग, यहाँ के बाद से है ना, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कि फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आता है, क्लियर है। तो देखो ये शुरू वाला जैसा है वैसे का वैसा लिख देता हूँ मैं, 3/2x² मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा, क्या समझना है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये कुछ कैसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है माइनस 3, देखो एक्स वाई कैसा है, ऊपर में ही है ना, तो 3xy/5 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 15, ये क्या लिखा हुआ है 15/1 है ना, एक्स वाई है ना, 15/1 एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। समझते चलना एक एक चीज़ों को, ये देखो एक्स वाई क्या है, ऊपर में ही है, नोमिनेटर में ही है ना, ठीक है। ये नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई डिनोमिनेटर में नहीं है, ये 3 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो 3/2x² जैसा का जैसा रह गया। अब देखो 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, समझते चलना है, माइनस मैंने दे दिया, 5 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5, ठीक है, ओके। अब 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 जा में, और 1 को 3xy से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, देखो 5 को 5 में डिवाइड किए तो 1 और है ना, 1 जा में, अब 1 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या है 3xy, क्लियर है, ठीक है 3xy। अब यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को 5 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा 5 जा में जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15xy हो जाएगा, ये 15 ऊपर में जो भी रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, -6y², ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। चलो देखो जरा, तो ये क्या हो गया 3/2x² माइनस, समझते चलना है, ये तो क्या हो जाएगा 1 × 3xy, तो ये क्या हो जाएगा 3xy ही हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 15 × 5 कितना हो जाएगा 75xy, और नीचे में क्या रहा ये 5 और -6y², ये कुछ ऐसा रहा। अब ध्यान से समझो जरा, ये प्लस में, ये प्लस में 75xy है और ये माइनस में 3xy है, समझना है ध्यान से, ये प्लस में 75xy है और ये माइनस में 3 है, तो देखो 75 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, देखो xy और xy यानी कि दोनों सेम है जी, तो घटेगा ये है ना, ये सब चीज़ें आपको जोड़ने और घटाते आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये रहा 3/2x², क्लियर, ये अपनी जगह पे है ना, और ये 75 में से 3 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा प्लस में आएगा आपका, है ना, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, खुद से सोचो ना,
75 रुपीज़ पॉकेट में था आपका और 3 रुपये आपने खर्च कर दिए, माइनस का मतलब क्या, खर्च कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा आपका 72। तो 72 क्या एक्स वाई जो लगा हुआ है वो तो लगाना पड़ेगा, और नीचे में क्या बाई फाइव, ठीक है ठीक है, 72 बाई एक्स वाई बाई फाइव माइनस सिक्स वाई स्क्वायर, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग तो ये प्रॉब्लम कैसे बना ये चीज़ तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग इसका, ठीक है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक्स और एक्स प्लस फाइव वाई इसको मल्टीप्लाई करना है 7x माइनस वाई से। तो कैसे करना है, तो देखो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, यानी कि एक्स पहले किससे होगा 7x से, ये पहला स्टेप। दूसरा क्या होगा इससे वाई से, ये दूसरा, ठीक है क्लियर है। एक्स पहले 7x से होगा, फिर यही एक्स किससे होगा माइनस वाई से होगा, है ना। तो सब चीज़ आप जान चुके हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा साइन साइन का मल्टीप्लाई, फिर नंबर नंबर का, उसके बाद फिर किसका होगा एलजेब्रिक का। तो देखो ये साइन किस में है पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव प्लस, और ये 7x किस में है प्लस, प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, क्लियर है ठीक है। अब क्या नंबर को देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब 1 है, तो 1 × 7 तो क्या हो जाएगा 7, है ना। उसके बाद एलजेब्रिक का करो, x × x तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये तो पहला हो गया x 7x से अभी हो गया, अब फिर यही x किससे माइनस वाई से, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ओके। देखो प्लस माइनस तो माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो x यहाँ पे, हाँ नंबर को नंबर से, यहाँ भी 1 है और ये y में भी 1 छुपा है, तो 1 × 1 तो 1 ही हो गया, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो क्या बच जाएगा केवल एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, क्लियर है ये हो गया। उसके बाद चलो सेकंड में क्या होगा, अब ये 5y, ये प्लस का 5y जाएगा 7x से मल्टीप्लाई होगा पहले, है ना, ये प्लस का 5y पहले 7x से, है ना ठीक है। उसके बाद यही प्लस का 5y फिर किससे होगा y से, क्लियर है ठीक है। तो चलो देखो प्लस, और ये किस में 7x इसमें है प्लस में, तो प्लस 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 ऐसा हो गया, और फिर नंबर का नंबर से 5 × 7 = 35, क्लियर है। और ये क्या वाई एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स से, लिखने से अच्छा है कि एक्स वाई लिखेंगे हम लोग, है ना। देखो कोई अगर कहता है कि सर वाई एक्स क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, है ना, नो डाउट, है ना, वाई एक्स लिख लो चाहे एक्स वाई लिख लो, बात वही है ठीक है। तो ये एक्स वाई हो गया ठीक है ओके। और फिर अब ये अभी तो 7x से हो गया, है ना, अब प्लस, अब y से माइनस वाई से होगा, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, और नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y अकेला है, या इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 5 × 1 तो 5 ही रह गया, और y × y क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब चलो देखो जरा यहाँ पे इक्वल टू देते चलो, ये 7x स्क्वायर, देखो ये पॉजिटिव में था तो इसलिए मैंने साइन यहाँ पे नहीं लिखा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से 35xy में से माइनस एक्स वाई, यानी कि एक ठो एक्स वाई चला गया, प्लस का साइन ज़्यादा है, देखो प्लस में 35 है और एक माइनस में है, माइनस में एक्स वाई यानी कि एक ठो है, 35 ठो, सोचो सुनो जरा, ये 35xy का मतलब मान लो कि मैंगो, ठीक है 35 मैंगो हैं, क्लियर है। तो एक मैंगो क्या हुआ कम हो गया, माइनस का साइन है इसका मतलब कम हो गया, तो कितने बचेंगे 34, है ना, प्लस में 34, तो प्लस में 34xy, है ना ठीक है, प्लस में 34xy क्यों बचा, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है और इसमें मैंने घटा दिया, ये माइनस लगा था तो, क्लियर है। और ये माइनस 5y स्क्वायर, क्लियर है, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। हाँ अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्या समझना है सर, है ना, कि यदि जैसे मान लो कि ये 45 को शुरू में लिख दिया, 6x को उधर में लिख दिया, माइनस 37 को बीच में लिख दिया, समझना क्या 45 को शुरू में लिख दिया, आप आंसर में हो सकता है बुक में मिलाओ तो कुछ ओटपटांग दिया रहे, है ना, 45 को शुरू में लिख दिया, है ना, और क्या किया कि प्लस 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर को अब लिख दिया और ये माइनस 37x ऐसे लिख दिया, तो भी से आपका आंसर जो है ये गलत नहीं है, है ना, तो भी से आपका आंसर क्या रहेगा सही रहेगा। बस आपको ये देखना है, देखो ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको 6x को 6x स्क्वायर को उठा कर उधर ले जा सकते हैं,
45 को उठा के इधर ला सकते हैं, 37 को खिसका के इधर ला सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबका साइन मैच करना चाहिए। जैसे 37 एक्स है तो माइनस में होना चाहिए, भले ही अब ये पोजीशन कहीं भी चेंज करो, इसको शुरू में रख लो चाहे बाद में रख लो चाहे बीच में रख लो, क्लियर है। तो पोजीशन चेंज होना ये कोई गलत नहीं है, याद रखना पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो इसमें किसी तरह का कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। पोजीशन चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई ये 37 को शुरू में लिख सकता है चाहे 45 को उधर लिख सकता है, क्लियर है। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्लस है, 45 प्लस में है तो 45 प्लस में चाहिए, अब चाहे इधर हो चाहे उधर हो चाहे कहीं भी हो, समझ उसी तरह सब में लागू होगा, ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन, जरूर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ जब आप बनाओ तो प्रैक्टिस कर पाओ काफ़ी अच्छे से इसकी, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन, एक्सरसाइज 4.1 का पहला का 5 क्वेश्चन था उसका डिस्कशन था, ठीक है। यस, तो डियर स्टूडेंट आई होप कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है ना, काफ़ी टाइम समझाने में ही टाइम, मैं एक क्लास 7 के विद्यार्थी को कैसे समझा पाऊँ उस अकॉर्डिंग में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ना कि एक टीचर पढ़ रहे हो या फिर एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट कोई पढ़ रहा हो तो मैं उसके माइंड के अनुसार नहीं स्पीड में पढ़ा सकता हूँ, है ना। मैं एक क्लास 7 का जो माइंड रहता है बिल्कुल उस अनुसार से धीरे धीरे एक एक चीज़ों को, बारीक से बारीक चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कस करते हुए फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, है ना, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक यही एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।